मेरा नाम अमरजीत है जी। क्या समस्या है जो आज आप यहाँ पत्रक लेके आए हैं जिलाधिकारी? समस्या है मेरा पैसा जो आया है आवास का, वो प्रधान 20,000 पहला किस्त ले लिया, फिर दोबारा आया तो उसने 10,000 ले लिया, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो इसकी शिकायत आपने और कहीं की? कहीं नहीं जी, जिलाधिकारी यहाँ आए हैं इसी। हाँ जी, अपना नाम बताएं। लालता प्रसाद मौर्य जी। क्या समस्या है जो आप पत्रक लेके आज जिलाधिकारी के हैं? समस्या ये है कि सर, हमारे यहाँ छीटपुर सिटी ब्लॉक में लाखों करोड़ों रुपए का प्रधान द्वारा और रोजगार सेवक द्वारा गमन किया गया है। हम लोग कई महीने से दौड़ रहे हैं, सिटी ब्लॉक दौड़ रहे हैं, यहाँ वहाँ पत्रक लेके घूम रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हैं अपनी समस्या को लेकर। जी, तो आपको यहाँ से क्या आश्वासन मिला, क्या कहा गया? महोदय ने कहा कि ठीक है, हम DPRO के यहाँ लिख दे रहे हैं, वहाँ से जांच हो जाएगा, आपको समस्या का समाधान किया जाएगा। आप क्या चाहते हैं? हम सोच रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो, सारे ग्रामवासी के समस्याओं का समाधान हो, जो नाली खरंजा नहीं बना गया है उसको बनाया जाए। थैंक यू। बताइए। महेश कुमार जी, क्या समस्या है जो आप लोग आज जिलाधिकारी के यहाँ आए? हमारे नरेगा में पैसा निकल रहा है सर, वो मतलब पता नहीं कौन निकाल रहा है, हम उसकी जांच करवाना चाह रहे हैं कि हमारे नाम पे कौन पैसा निकाल रहा है जी, इसका जांच होना चाहिए। हम कभी नरेगा में आज तक काम ही नहीं करने गए ना, हमारा मतलब औरत गई ना हमारे औरत के नाम पर, और उसके नाम पर किसी नाम को जोड़ करके पैसा निकाला जा रहा है, तो इसका जाँच किया जाए। तो हमारे नाम पर नाली का पैसा निकाला गया है, वो भी अभी तक नहीं बना है। खरंजा का पैसा हमारे पिताजी के नाम पे दो बार निकाला गया, वो भी नहीं बना गया है। बताइए, हम लोग हमारे नाम पे कोई ऐसे पैसा निकालेगा और मतलब हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते। तो इसकी शिकायत आप कहीं की है? अभी तक तो नहीं किए हैं सर। तो आज आप इसलिए आज जिलाधिकारी के यहाँ आए हैं, अब हमारा सही से सब बनना चाहिए और सही से सब होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि मेरा सबसे पहले कि मेरा पैसा कौन निकाले उसका जाँच किया जाए, जो निकाल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। थैंक यू।